नेक्स्ट वी विल सी स्नेल्स लॉ। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखा है, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है वो देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द स्नेल्स लॉ, लेट एन वन एंड एन टू बी द रिफ्रैक्ट इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडियम एंड लेट थीटा वन एंड थीटा टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली। स्नेल्स लॉ को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ये मीडियम वन है, मीडियम एन वन और ये मीडियम एन टू है, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। सपोज ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन टू है, ठीक है। और ये नॉर्मल है, ठीक। और ये नॉर्मल क्या रहता है, ये जो दो मीडियम का इंटरफेस रहता है उसको ये परपेंडिकुलर रहता है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो हमने ये रे क्या किया, यहाँ पे इंसिडेंट किया, और ये रे इंसिडेंस करने के बाद ये इंसिडेंस रे, ये जो इंसिडेंस रे है और ये नॉर्मल है, उसके बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर सपोज ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है वो सीधा इस तरफ जाता, ये अनरिफ्रैक्टेड रे है, और ये अनरिफ्रैक्टेड रे या वो जो रिफ्रैक्टेड रे वो ऐसा कब आता है, जब एन वन इज इक्वल टू एन टू रहता, मतलब मीडियम वन और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब सेम रहता तब ये वेव बेंट नहीं होती और सीधा इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती, तो इसको बोलते हैं अनरिफ्रैक्टेड रे, ओके। और सपोज अब ये रे दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, अगर सपोज एन वन ये एन टू से अगर ज्यादा है, एन वन एन टू से ज्यादा है मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब n1 क्या है, n2 से ज्यादा है, n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तब वो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होंगी, बेंट होंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होंगी। और जब हम उस इंसिडेंस रे को लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मोर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इंसिडेंट करेंगे तब वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगा, और टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बेंट होगा, व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब n2 ज्यादा है n1 कम है, मतलब n1 से ये सपोज एयर है, ये एयर मीडियम है सपोज, ओके, और ये सपोज वाटर है, तो एयर से जब वो वाटर में जाएंगी तब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होंगी, और जब सपोज ये वाटर है और ये एयर है तब वाटर से जब वो एयर में ट्रेवल करेंगी तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होंगी, तो ऐसी बेंट होंगी, दिस इज लाइक दिस, ओके। तो दैट इज द स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ में ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हुए, ये एंगल है सपोज क्यू टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू टू, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको हम क्यू वन बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको हम Q2 बोलेंगे। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ, द स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ टेल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सेपरेटिंग सर्फेस ऑफ टू मीडिया। देखो मैथमेटिकली उसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, n1 is the refractive index of medium 1, n2 is the refractive index of medium 2. So n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. देखो ये सपोज theta 1 है और ये theta 2 है, ठीक है। The product of क्या statement, the product of index of refraction n1 by the साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू इज कॉन्स्टेंट फॉर एनी रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सेपरेटिंग सर्फेस ऑफ टू मीडिया। जब लाइट क्या करती है, ऐसा स्ट्राइक करती है दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस पे, तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इक्वल रहते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा वन बाय साइन थीटा टू इज इक्वल एन टू बाय एन वन, वेयर एन वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल वन, मतलब मीडियम वन,
n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, थीटा 1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा 2 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, द स्नेल्स लॉ कैन बी मॉडिफाइड. स्नेल्स लॉ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर 1. ये क्या रहता है, वो ये जो मटेरियल रहता है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे डिपेंड रहता है. सो ER2 एंड ER1 क्या है, मटेरियल 2 का डायरेक्ट डायलेक्ट्रिक इंडेक्स और मटेरियल 1 का डायलेक्ट्रिक इंडेक्स. वेयर ई सफिक्स आर 1 इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल 1 एंड ER2 इज द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल 2 या मीडियम 2. ओके, सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्नेल्स लॉ इन ऑप्टिक्स. द लॉ इज यूज्ड इन रे ट्रेसिंग टू कंप्यूट द एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंड इन एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए भी हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्नेल्स लॉ. स्नेल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस लॉ. इस लॉ को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया. ओके, सो एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, जब लो डेंसिटी मीडियम से हाई डेंसिटी मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है, लो डेंसिटी मीडियम मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई डेंसिटी मीडियम मतलब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उस समय जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे रहता है वो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होता है. और जब लाइट रे इंसिडेंट रे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रैवल करती है, तो मतलब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मीडियम में ट्रैवल करती है, तो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होता है. ओके, सो दिस इज द स्नेल्स लॉ.